हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम ब्रजेश कुमार। यू आर वेलकम इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो व्हिच हैज बीन क्रिएटेड फॉर टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। हेयर क्वेश्चन नंबर 31 इज गिवेन एज शेक्सपियर्स सॉनेट्स फ्रॉम 1 to 26 जनरली शो ए री एनेक्शन ऑफ। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि शेक्सपियर का सॉनेट नंबर 1 से 126 सामान्यतया किस री एनेक्शन को बताता है। तो यहाँ पर 31 के लिए आंसर जो दिया गया है ये ऑप्शन ए में तो है नहीं। इसके रिमेनिंग पार्ट को देखते हैं। 31 का रिमेनिंग पार्ट जो है वो इस तरह दिया गया है। यहाँ पे 31 का रिमेनिंग पार्ट इस तरह है। यहाँ पर दिया गया है बी में, ये भी नहीं है। सी में दिया गया है पर्सनल रिलेशनशिप विद ए यंग रिच पार्ट्रोन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करते हैं तो शेक्सपियर ने कुल 154 सॉनेट से लिखे थे और इनमें से जो सॉनेट नंबर 1 to 126 है ये एर्ल ऑफ साउथ हैम्पटन को ये डेडिकेट किया गया है, एड्रेस किया गया है। और बाकी के जो सॉनेट हैं वो WH के लिए जो है डेडिकेट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 इज वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्स में बिल्ट ए प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रुथ फ्रॉम। ये लाइन कहाँ किसके द्वारा कही गई है ये आपको बताना है। 32 के लिए यहाँ पर आंसर दिया गया है रॉबर्ट बर्न्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है वर्ड्स वॉज लिव्ड फॉर 50 ईयर्स एमंग्स द। वेरी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है TGT के लिए। तो ये पूछा जा रहा है कि वर्ड्स वर्थ ने अपने 50 वर्ष कहाँ पर बिताए ये आपको बताना है। 33 के लिए यहाँ पर हो जाएगा कमरलैंड डेल्समैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर दिया गया है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाई वर्ड्सवर्थ। निम्नलिखित रचनाओं में से एक रचना है जो वर्ड्सवर्थ की नहीं है उसको आपको बताना है। तो यहाँ माइकल ये वर्ड्सवर्थ की रचना है, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस ये भी इनकी रचना है, इट इज़ ए ब्यूटियस इवनिंग ये भी इनकी रचना है, द मे क्वीन जो है इनकी रचना नहीं है, ये इनकी रचना नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 35 इज एज फॉलोज द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वॉज फ्रॉम। यहाँ पर आपको वर्ड्सवर्थ का पोएटिक करियर बताना है। 35 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रॉम 1797 to 1798, ये इसका आंसर हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद द लाइन व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन इन थंडर लाइटनिंग आर इन रेन। ये लाइन कहाँ से है, किस रचना से है आपको बताना है। 36 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा मैकबेथ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बाकी की रचनाएं ये भी शेक्सपियर की हैं, किंग हमलेट, किंग लियर, ओथेलो, ये सब रचनाएं जो है शेक्सपियर की हैं। फ्रेंड्स, यहां पर एक क्वेश्चन है कि हेमलेट, किंग लियर और ओथेलो ये कब लिखी गई थी, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है ऑल द वर्ड्स स्टेज अकर्स इन शेक्सपियर्स। ऑल द वर्ड्स स्टेज ये किस रचना में लाइन आती है ये आपको बताना है। 37 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट में ये बात आती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 38 सर टॉबी वेल्च इज करेक्टर इन शेक्सपियर्स। सर टॉबी वेल्च करेक्टर शेक्सपियर की किस रचना में है आपको बताना है। 38 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12th Night। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है व्हाट इज़ द लिटरेट नेम ऑफ एज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के साहित्यिक जीवन का जो है एज क्या है ये आपको बताना है, क्या कहलाता है साहित्यिक जीवन इनका, किस एज से रिलेटेड है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो 39 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन एज से रिलेटेड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि रोमांटिक एज किससे रिलेटेड है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 40 इज चूज द करेक्ट ऑप्शन लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स द अबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली गई है, किस रचना से है ये आपको बताना है। तो 40 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ये किसकी रचना है आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 41 इज एज फॉलोज। यस, क्वेश्चन नंबर 41 इज कंप्लीट द सेंटेंस गार्ल्सवर्थीज प्ले स्ट्राइव डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। यहाँ पर खाली स्थान में आपको सही वर्ड भरना है। तो 41 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा लेबर डिस्प्यूट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है यहाँ पे शेक्सपियर इज इंडिप्टेड टू वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिज सम प्लेज चूज द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसके लिए आपको आंसर करना है कि किस रचना से है। तो यहाँ पर 42 के लिए आंसर हो जाएगा, 42 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा मोलिंस्ट क्रॉनिकल। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज़ चूज द वन दैट डज नॉट मैच। यहाँ पर आपको सही मैचिंग में बताना है कि इसमें से सही मैचिंग किसकी नहीं है। तो यहाँ टच स्टोन ये सही है, गुंड्रिल किंगलियर में होती है ये भी सही है, टच स्टोन जो है एज यू लाइक इट में होता है, सीना जो है जूलियस सीजर में होता है, गोबो जो है ट्वेल्थ नाइट में नहीं होता है। 43 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात करें 43 के लिए, तो ट्वेल्थ नाइट जो है इनका रोमांटिक कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर का, और ये जो है 1601 से 1602 में 1601 से 1602 में लिखा गया था। 43 के लिए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, विथ दिस की सॉनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट द वर्ड्स आर फ्रॉम। ये वर्ड कहाँ से हैं आपको बताना है, किसके हैं बल्कि ये बताना है। तो 44 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ की ये बातें हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज निक नेम्ड द लेडी ऑफ क्राइस्ट बाई हिज फेलो अंडर ग्रेजुएट्स। द लेडी ऑफ क्राइस्ट किसको कहा गया है, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी इंग्लिश। स्पोर्ट द करेक्ट नेम ऑफ द पोएट। इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, कमेंट के माध्यम से बताएं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाई गार्ल्सवर्दी। गार्ल्सवर्दी के द्वारा इनमें से कौन सा प्ले नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर 46 के लिए आंसर हो जाएगा डॉल्स हाउस। ये डॉल्स हाउस जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी जो है द सिल्वर बॉक्स जो है और वीवर्स इनकी ही रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 47, एवरी ग्रेट पोएट इज अ टीचर। ये किसके द्वारा कही गई बात है, तो वर्ड्सवर्थ के द्वारा कही गई बात है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 दिया गया है, रग्बी चैपल बाई मैथ्यू अर्नाल्ड इज रिटन इन द मेमोरी ऑफ। ये किसके द्वारा, किसके याद में लिखा गया है, तो ये आपको बताना है। 48 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यहाँ पर थॉमस अर्नाल्ड दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉरी सी, करेक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच इन शेक्सपियर सॉनेट। शेक्सपियर के सॉनेट में मिस्टर डब्ल्यू एच का पूरा नाम क्या होता है, बहुत आसान है, इसको आप कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 है बोन होमी मीन्स, बोन होमी का यहाँ पर आपको अर्थ बताना है। तो बोन होमी का अर्थ होता है गुड नेचर, खुश मिजाज जो होता है उसके लिए बोन होमी शब्द आता है। इसके लिए और भी शब्द होते हैं, चीयरफुल, फ्रेंडशिपनेस और जेनिलिटी इसका जो है और वर्ड हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 51 इज़ फाइंड द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर। फ्रेंड्स यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें खाली स्थान, इसमें आपको सही शब्द सेंटेंस के अनुसार भरना है। मेक ही डैश द सन शाइन्स, ये एक प्रकार का प्रोवर्ब है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर व्हाइल भर दिया जाएगा, मेक ही व्हाइल द सन शाइन्स, मार दे हथौड़ा लोहा गर्म बा, ये ऐसा जो है भोजपुरी में आप कह सकते हैं, अवसर की बात होती है इसमें। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 52 to 56 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, पिक द सेंटेंस विच इज़ करेक्टली पंक्चुएटेड। ग्रामर पर बेस्ड है, पंक्चुएशन के अनुसार यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। 52 के लिए, यहाँ 52 के लिए हो जाएगा, ओ नो आई फॉरगेट आई शेल फोन हर नाउ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है यहाँ पे, इसमें भी आपको पंक्चुएशन के अनुसार बताना है कि सही कौन सा है। यहाँ पर सी हो जाएगा, इफ़ प्रॉपरली यूज्ड हाउ एवर दोज वेरी स्किल्स कुड हेल्प। फ्रेंड्स इसको मैंने सॉल्व किया है इसलिए आपको मैं फटाक से बता देता हूँ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 54 दिया गया है जो इस प्रकार से है, इसमें भी आपको पंक्चुएशन के अनुसार बताना है। तो 54 के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा बी ऑप्शन, इट कुड लीड टू द किंग ऑफ गुड लाइफ बोथ स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दैट वॉज वंस द प्रिविलेज ऑफ ए लकी फ्यू। तो क्वेश्चन नंबर 55 में भी आपको पंक्चुएशन के अनुसार ही बताना है। 55 के लिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बाई हिवेन I have done it at last। क्वेश्चन नंबर 56 में भी आपको पंक्चुएशन के नियमानुसार सही सेंटेंस बताना है। 56 के लिए यहाँ पर सही ऑप्शन ये हो जाएगा, यू सी सी कांट फॉरगेट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया, क्वेश्चन नंबर 57 to 58 के लिए डायरेक्शन दिया गया है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइंड एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। निम्नलिखित सेंटेंस में आपको अंडरलाइंड एडवर्ब को पहचानना है, किस प्रकार का एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, राम रेयरली गोज टू द बाजार। इसमें आपको रेली के लिए, अंडरलाइन तो नहीं है लेकिन ये इटैलिक में है, तो रेली किस प्रकार का एडवर्ब है ये आपको बताना है। तो 57 के लिए आंसर हो जाएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 57 के लिए। और ये जो है
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, जिसका मतलब होता है कभी कभार। क्वेश्चन नंबर, कभी कभार नहीं बल्कि रेली का अर्थ होता है मुश्किल से, सॉरी टू से कभी कभार। क्वेश्चन नंबर 58, आई नियरली हैड एन एक्सीडेंट। यहाँ पर आपको नियरली के लिए बताना है किस प्रकार का ये एडवर्ब है, तो 58 के लिए हो जाएगा यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सून एज रिलीज, एंड रिमेंबर टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।